वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो है KTM की RC125 के ऊपर जो अभी लॉन्च हुई है। इसके रिगार्डिंग एक बंदे का क्वेश्चन था मेरे इंस्टाग्राम पे कि भाई अभी KTM की RC125 लॉन्च हो गई है, तो अभी आप बताओ कि ड्यूक 125 खरीदें या कि फिर RC125 खरीदें। तो थोड़ा सा मैं कंपेयर करता हूँ और बताता हूँ कि RC125 किन के लिए ज़्यादा बेहतर है, अभी जो लॉन्च हुई है हाल ही में किन के लिए बेहतर है और आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं, और सच में KTM की RC125 कुछ मतलब अच्छा पैकेज है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बाइक के बारे में। तो गाइज़, KTM की तरफ से ये RC सीरीज़ की सबसे स्मॉलर सेगमेंट की बाइक है 125 cc के इंजन के साथ। मतलब वही इंजन आपको मिलता है जो कि ड्यूक 125 में मिलता है, और ये कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुई थी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा अभी तक। मतलब काफ़ी अच्छी सेलिंग है ड्यूक 125 की। तो अभी ये RC125 आई है सेम इंजन के साथ, बट इसका जो डिज़ाइन है, जो लुक्स है, वो RC 200 या RC 390 से इंस्पायर्ड है। और आपको बता दूं, RC के मैंने देखा एक अलग ही ऑडियंस होती है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जो बिगिनर्स राइडर हैं और उनको एक स्पोर्टी बाइक चाहिए फुली फेयरिंग के साथ, तो RC125 उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। या बोल सकते हैं जो कि एक कम पावर वाली बाइक सर्च कर रहे हैं। बहुत लोगों का होता है ना कि भाई पावर कम चाहिए लेकिन लुक्स अपने को शानदार चाहिए और फुली फेयरिंग के साथ एकदम स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर वाला, तो फिर RC125 आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ड्यूक से कंपेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंपेयर करना चाहिए, लेकिन आपको अगर डाउट है तो आपको बता दूँ, आप दोनों ही बाइक का बराबर से टेस्ट राइड ले लो, ठीक है, क्योंकि इंजन सेम है, लुक्स में डिफरेंस है और प्राइस में तो एक मेजर डिफरेंस है जो कि आपको अभी बताऊंगा मैं। तो आप दोनों की टेस्ट राइड ले लो, खुद डिसाइड करो भाई, क्योंकि ये चलाने के ऊपर है। इंजन सेम है, ब्रांड सेम है और जो पार्ट्स यूज़ किए गए हैं वो भी सब सेम है, लुक्स में डिफरेंस है फेयरिंग वगैरह में। तो आप जब तक राइड नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। फिर भी मैं आपको बताऊँ, RC125 का जो राइडिंग पोस्चर है वो इतना स्पोर्टी है कि अगर आप कंटिन्यूस 50 किलोमीटर की राइड करते हो तो आपको बैक पेन हो सकता है। तो अभी आप ये डिसाइड करो कि भाई आपका पर्पस क्या है। अगर आप कॉलेज वगैरह 10-20 किलोमीटर के लिए ले रहे हो और RC आपको जम रही है, RC आपको अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल आप RC ले लो, ड्यूक को साइड कर दो, क्योंकि इंजन सेम है और RC थोड़ा सा ज़्यादा कैची है ड्यूक के कंपैरिजन में, ये भी फैक्ट है। तो यही है, बाकी ड्यूक 125 से कंपेयर करूँ तो दोनों ही बेहतर हैं, कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। तो ये कंपैरिजन आप हटा दो, इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, बस प्राइस पॉइंट में डिफरेंस है। तो प्राइस पॉइंट में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि फेयरिंग वगैरह ऐड करी गई है, और RC सीरीज़ की वैसे भी प्राइस थोड़ा सा ड्यूक के कंपैरिजन में ज़्यादा रही है स्टार्टिंग से, तो यही सेम बात है। बाकी यहीं पर अगर मैं RC 200 से अगर कंपेयर करूँ तो RC 200 के कंपैरिजन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कम है, परफॉर्मेंस कम है RC 200 के कंपैरिजन में। जैसे अगर मैं पावर की बात करूं तो KTM की RC 125 की पावर है 14 PS, जबकि RC 200 की पावर है 25 PS। तो पावर में डिफरेंस देख सकते हो, और बिगिनर्स बाइक चाहिए ना और अच्छे लुक के साथ, तो 125 कंसीडर करो। बाकी मुझे लगता है कि अगर पैसे वैसे आपको नहीं ध्यान रखना है तो RC 200 ज़्यादा बेहतर पैकेज है, क्योंकि आपको देखो अच्छा लुक तो मिल जाएगा बट चलाने में मज़ा आना चाहिए ना। तो अगर आप इंटरमीडिएट या बोल सकते हो कि आप बहुत दिनों से राइड कर रहे हो तो RC 200 में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि RC 125 का पावर तो काफ़ी कम है। जैसे कि मैंने ड्यूक 125 भी राइड किया तो मुझे तो पावर इतनी कम फील हुई कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा है मैं क्या चला रहा हूँ। ये डिफरेंस, बाकी बाइक का पैकेज बहुत अच्छा है, पैकेज वाइज बहुत अच्छी है, क्योंकि यार आपको पता होगा KTM की जो भी बाइक्स हैं दूसरी ब्रांड के कंपेरिजन में थोड़ी सी कॉस्टली रहती हैं। तो अगर उसको अगर अपन साइड कर दें तो प्राइस पॉइंट अगर देखें तो वो आपको ये ऑन रोड, मतलब KTM की RC 125 ऑन रोड 1,60,000 रुपये तक की पड़ेगी, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज है और आप बिल्कुल ले सकते हो, प्राइस को जस्टिफाई भी करती है। अगर आप में से बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि भाई इसी प्राइस में तो आपको 300 cc या 250 cc भी मिल जाएगी, 200 cc मिल जाएगी, बट वो डिफरेंस होता है वो चलाने वाला ही बता सकता है, क्योंकि अगर एक एक पार्ट्स का अगर अपन डिफरेंस करने बैठ जाएंगे तो फिर मैं आपको जस्टिफाई करके बता दूंगा कि KTM की जो ये बाइक है ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है, आप ले सकते हो। बाकी इसकी एक शोरूम दिल्ली प्राइस की बात करें तो 1,47,000 रुपये है, जो कि ड्यूक से लगभग मैं बोलूँ कि 15-16,000 या 20,000 रुपये महंगी है। तो यही है, 20,000 रुपये लगाते हो आप ड्यूक 125 में तो आपको RC 125 मिलती है, जो कि इंजन सेम है, लुक्स डिफरेंस। तो अभी आप बताओ कि अगर आपके पास 1,60,000 रुपये हैं या 1,50,000 रुपये हैं तो आप KTM की RC 125 को अपने ऑप्शन में रखोगे या कि फिर नहीं रखोगे, ठीक है। और
अगर मेरी ओपिनियन की बात करें, अगर मेरा अभी बजट हो 1,60,000 रुपये का, तो मैं बिल्कुल KTM RC 125 को नहीं कंसिडर करूँगा। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ भी जाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे लुक्स नहीं चाहिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और बाकी यार देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है 125 फ्रंट से, आप देखो वही RC 200 जैसा लुक रियर से, मतलब लुक वाइज तो बहुत ही धमाल है, कमाल की बाइक है। अगर आप एक बोल सकते हो कि यंग हो, कॉलेज वाले जा रहे हो, तो अगर लुक्स आपको अच्छा चाहिए तो बहुत अच्छा पैकेज है, ठीक है। इंप्रेस करने के लिए चाहिए किसी को कॉलेज में, तो अच्छा पैकेज है, देखने में सही लगती है। तो बस बताओ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। ये रिव्यू नहीं था गाइज, ये एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन था, थोड़ा सा कंपेरिजन था RC 125 के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बोलोगे ना कि भाई RC 125 की वीडियो बनाओ, तो ये छोटी सी वीडियो है आपके लिए। बाकी रिव्यू जल्दी करूँगा, जल्दी ही मैं इसको राइड करूँगा, और राइड करने के बाद चलाने में कैसे लगी, पावर वगैरह, पोस्चर वगैरह, वो बाद में बताऊँगा, और कोशिश करूँगा जल्दी ही आ जाए आपको रिव्यू इसका। बस बताओ वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।